पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर गुरुवार को तृणमूल यानी कि टीएमसी समर्थकों ने पथराव कर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद पूरे देश में इस घटना के बाद राजनीति काफी गर्मा गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर कहा कि यहाँ मतलब पश्चिम बंगाल में कभी गृह मंत्री होते हैं तो कभी नड्डा चड्डा और फड्डा भड्डा होते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग ममता बनर्जी ने अपने बयान में किया। साथ ही कहा कि जब इन्हें ऑडियंस नहीं मिलती है तो वे अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी नौटंकियां करवाते हैं। इसी के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि ये उनके संस्कारों के बारे में दर्शाता है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि जेपी नड्डा ने अपने बयान में क्या कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है। ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं, इससे हम रुकने वाले नहीं है। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं। यह उनका आज वक्तव्य आया है। विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी को। शिकागो के भाषण में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, और उनकी जो दृष्टि है और दिशा है वो हम सबको मालूम है कि वो किस तरीके से सोच रही हैं। तो ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर एंड दिस इज नॉट बंगाली कल्चर। वी आर प्राउड टू एडहर टू द बंगाली कल्चर। इसी के साथ इस घटना के बाद लगातार बयानों का दौर जारी हो गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश से विधायक आकाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस घटना की कड़ी आलोचना की है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में क्या कहा। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर कोने कोने तक ले जा रहा है, और ये उम्मीद के साथ ले जा रहा है कि हर जगह सुख समृद्धि शांति हो। मगर ममता जी और उनके साथी मुझे नहीं लगता कि चाहते हैं कि देश में सुख समृद्धि शांति हो। उनकी सहानुभूति तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ ज़्यादा लगती है, और उसी का परिणाम आज हमने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काफिले पर बड़े बड़े पत्थर फेंक करके हमला आज किया। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो अपने आप में इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि पुलिस और सारी फोर्सेस वहां पर रहती है, मगर पुलिस को भी हम देख रहे थे किस प्रकार से मूक दर्शक बनकर बैठी रही। तो बेहद निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जब नड्डा जी जैसे व्यक्ति, तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की तो कार फोड़ ही दी, नड्डा जी की तो बुलेट प्रूफ थी तो बच गई, कैलाश विजयवर्गीय जी की तो कार फोड़ दी, उन्हें हाथ में माइनर इंजुरी हुई है। तो जब इस तरह के व्यक्तियों को काम करने से रोका जा रहा है तो आप सोच सकते हैं बंगाल के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। मैं तो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके हौसले के लिए, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है इस प्रकार के आतंक को चुनौती देने के लिए, उसको प्रणाम करता हूं। और बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है, आप प्रयास करते रहें और जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश से राष्ट्रवादियों की टोली बंगाल भी आएगी आपके समर्थन में। हम सब आपके साथ हैं, और मेरा साथ ही साथ
राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि बंगाल में यदि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो अब ऐसा लग रहा है इनकी अराजकता को देखते हुए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ताकि जनता को ईमानदारी से वोट डालने का अधिकार मिले और तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो, देश में सुख समृद्धि शांति है। आज किस तरह विरोध कर रहे हैं अकाश जी आप इंदौर में? आज भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर प्रमुख चौराहों पर राजवाड़ा पर ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों का पुतला दहन किया और बहुत आक्रोश है। सुबह से हजारों फोन मेरे पास आ चुके हैं कि जब नड्डा जी के काफिले पे हमला हो सकता है तो फिर अब तो बहुत सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में, ये पूरा देश मांग कर रहा है। आपको लगता है कि आज से इस घटना के बाद से जो है ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? देखिए, ममता सरकार की उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, देश के संसाधनों को लूट के ले जाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी। अब तो उसका रंग ममता जी को भी दिखने लगा है, इसलिए उनकी बौखलाहट सामने साफ नजर आ रही। इस इंसिडेंट के बाद में कैलाश जी का क्या कहना, आपकी भी चर्चा हुई थी, काफी चिंता थी और तमाम शहरवासियों को एक ही बात की चिंता सता रही थी, कैलाश जी सुरक्षित है? उन्होंने उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है, हाथ में माइनर एक इंजुरी आई है लिगामेंट की, बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर हम सब ने देखा वीडियो में, वो आकर के कोहनी पे लगा तो हाथ में इंजुरी हुई है। बाकी उन्होंने कहा कि हम सब ठीक हैं और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अकाश जी, क्या लगता है कि बंगाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, घटनाएं है, ये मारपीट की जो घटनाएं हो रही है वो पूरे चरम को पार कर गई? देखिए, नड्डा जी के काफिले पे जिनकी पूर्व में सूचना पुलिस को दी गई थी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी और चंद गुंडों ने उनके काफिले पे जब पथराव कर दिया तो निसंदेह ये बहुत बड़ी घटना है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे इस प्रकार का हमला हुआ है, तो ये बहुत ही बड़ी घटना है और सभी जिम्मेदार लोगों को इस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए और पूरा देश इसकी निंदा तो कर ही रहा है, हम लोग सब देख ही रहे हैं।